अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वान बर्ड। ये हम 200 चूज़ा लेके आए थे एक दिन का, आज ही दूसरे दिन का हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा इनके वैक्सीन का शेड्यूल क्या होना चाहिए और एक दिन से लेके 40 दिन तक इनकी कौन सी वैक्सीन करनी है। आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा वैक्सीन करने का। तो एक दिन से लेके 40 दिन तक हम इनकी वैक्सीन करते हैं और 40 दिन बाद ये चूज़ा हम सेल कर लेते हैं। ये देखें हमारी वैक्सीन है NDIV। ये पहले दिन की चूजे करनी होती है। 3 कतरे इसके मुंह में डालने होते हैं और 1 कतरा इसकी आंखों में डालना होता है। ये हम वैक्सीन कर रहे हैं इनकी। और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए मने मनी ही बनी है, ये वैक्सीन कर रहे हैं इनकी। वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत सी बीमारी से बचा जा सकता है। बाज लोग होते हैं वैक्सीन नहीं करते चूज़ों की, वो अपने पैसों की थोड़ी बचत कर रहे होते हैं। इसमें पैसों की बचत नहीं करनी होती, थोड़ी सी वैक्सीन आप टाइम पर कर लिया करें, बहुत सी बीमारी से बच जाते हैं। अल्लाह का शुक्र हमारा चूज़ा मरता ही नहीं है, बहुत कम मरते हैं। क्यों मनी भाई? हम मरते इसलिए नहीं, हम इनकी प्रॉपर वैक्सीन करते हैं, टाइम पे वैक्सीन करते हैं और इनको टाइम पे खाना देना होता है, फीड वगैरह करवानी है इनको और टाइम पे इनको पानी वगैरह देना होता है। टेम्परेचर मेन चीज़ होती है, टेम्परेचर आपने बरकरार रखना होता है। अगर आपका टेम्परेचर नहीं सही होता तो आपके चूजे मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको टेम्परेचर सही चाहिए होते हैं। ये हमारा 200 चूज़े हैं, इनकी पूरी वैक्सीन आज होगी तो फिर आपको बताएंगे आगे। वो वैक्सीन के लिए रखी है हमारे पास जगह, लेकिन जगह माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह है, टेम्परेचर बहुत सही रहता है इधर। ये फीड 4 नंबर फीड इनको देनी होती है 40 दिन तक। और ये NDIV अच्छी वैक्सीन होती है, 550 रुपये इसका रेट है। तो काफ़ी लोग सेल करते हैं 150-200 रुपये की 2 नंबर। यार लोग बोलते हैं सस्ती वैक्सीन लगा लेते, 2 नंबर वैक्सीन लगाने से चूज़ा ही मरता जाता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। और आपको चाहिए कि और अच्छी वैक्सीन ले ले, ज़्यादा छोटे इसके चांस को लेकर पार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत एक्टिव चूजे हमारे, देखें आप इनकी ग्रोथ भी सही है, साइज वगैरह भी अच्छा है इनका। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आप जो लड़के लोग लेके आते हैं कबाड़िए से अखबारें उठा के लेके आते हैं चूज़ों को नीचे रखने के लिए, और अगर आप ले रहे अखबारें तो अच्छी बात है, और उर्दू अखबार ना लेके आए, अगर ना इंग्लिश लेके आए। आप चाइनीज़ अखबार अगर आपको मिलती है तो आप वो लेके आए, अगर वो नहीं मिलती तो ये स्टेशनरी शॉप से आप जाके ये खाकी कागज़ लेके आया करें, ये सबसे अच्छा होता है। ये 3 दिन बाद हमने कागज़ भी चेंज करना होता है, काफ़ी लोग होते हैं कागज़ करने चेंज करते, उधर ही गंद की वजह से उनके चूजे भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको हाँ, और मनी भाई कह रहे हैं कि ये वही गंदगी खाते हैं और जरासीम पैदा होते हैं, इस वजह से भी चूज़े मरना स्टार्ट हो जाते हैं, बीमारियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। सफाई का आप ख़ास ख्याल रखा करें। तो वीडियो हमारी आज की काफ़ी लंबी होनी है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें, पूरी देखिएगा। हाँ, और आप और बताएंगे इनको थोड़ा सा इलाज ला के भी दिखाएंगे, अभी तो वैक्सीन का भी पास रखे हुए हैं,
और इनको आपने एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देना चूज़ों को, या अगर एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते तो दब लग जाता है एक दूसरे को, इनको दब की वजह से भी मरना स्टार्ट हो जाते। आपको चाहिए कि आप इनको माफ कर दिया करें। और जो पहले दिन का आपका चूज़ा होता है आप इनको मीठा पानी दिया करें, चीनी मिला के शीरा जिस तरह होता है वो बना के पानी इनको दिया करें, क्योंकि इनको फ्लैशिंग हो जाती है और गंद वगैरह इनकी निकल जाती है। जो बच्ची बुच्ची अंडे की सब्जी होती है वो भी निकल जाती है, तो ये आप लाजमी दिया करें इनको। ये हमारे बस चूज़े थोड़े से रह गए, इनकी वैक्सीन रह गई है, बाकी सब की होगी है, बस ये रह गए 70 एक रह गए हमारे पास। ये देखें चूज़े का साइज़ चेक करें, माशाल्लाह रंग चेक करें, रंग को चेक करें माशाल्लाह बड़ा प्यारा। बस ये थोड़े से रह गए, इनकी वैक्सीन करते हैं। ये मुनीब भाई काफ़ी मेहनत से इनकी वैक्सीन कर रहे हैं। ये बड़ा मेहनत वाला काम है, मेहनत करके कुछ कुछ होता है, मेहनत की बजाय कुछ भी नहीं होता। और जिस भाई ने चूज़े वगैरह लेने हैं या किसी को चूज़े चाहिए हों तो मैं अपना नंबर लिख के डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक दिन से ले कर 40 दिन तक हमारे पास चूज़े अवेलेबल होते हैं, हम आपको मंगवा के दे देंगे चूज़े। बड़े मांगे होंगे हम आपको, अगर बड़े चूज़े वगैरह चाहिए, मुर्गे चाहिए, मुर्गियाँ चाहिए, थोड़ा हमारे पास होते हैं बेंटम वगैरह, हर तरह के हमारे पास चूज़े होते हैं, जर्मन ब्यूटिक बोतर हैं, परोट हैं, सब कुछ जो चीज़ चाहिए हो हमसे रब्ता करना। रैबिट्स हैं हमारे पास, एंगोला रैबिट्स हैं, देसी रैबिट्स मिल जाएंगे आप, ऑस्ट्रेलो बेंटम कॉकटेल लव बर्ड, हर तरह के हमारे पास परिंदा होता है। जिस भाई को चाहिए हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर ऐड किया, उससे आप देख के रब्ता कर सकते हैं। ये वैक्सीन हमारी कंप्लीट हो गई है, चूज़ों को वैक्सीन कर ली है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे सेकंड वैक्सीन का।